कार्रवाई सिर्फ वो गुड्डी उड़ाने वाले के खिलाफ नहीं बल्कि जो छत इस्तेमाल हुई जिस छत पे वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कल एक खौफनाक हादसा हुआ है, आपने सुना होगा फैसलाबाद के अंदर जो पतंग की वजह से हुआ है, और उस वाक़े के बाद दो और इस तरह के वाक़े हुए हैं और वो पाकिस्तान के किस सिटी से हुए हैं और किस एज से बिलोंग बच्चों के ये इंसिडेंट हुए हैं, इसमें कसूरवार कौन है, हुकूमत है या कोई और है, इसके ऊपर बात करेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबाएँ ताकि आप तक मेरी तमाम तर वीडियोज़ जो है वो बरवक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, फैसलाबाद के अंदर आपको मालूम होगा कि एक लड़का बाइक चलाते हुए जा रहा था, 22 साल का बहुत ही खूबसूरत एक माँ का लाल वो बाइक के ऊपर जा रहा था, 22 साल की एज का, और आप उसकी तस्वीर देखें कि किस तरह एक खूबसूरत लड़का है और अपनी जवानी के उरूज पे पहुंचा और उस वक़्त उसको जो है छीन लिया गया। और इसके जिम्मेदारान कौन है, मोहम्मद आसिफ के जिम्मेदारान कौन है, और इस वक्त उसकी माँ की कैफियत क्या होगी जब उससे उसका लख्त जिगर एक छोटी सी गलती की वजह से जो है वो छीना गया है। और उसके बाद दूसरा दो वाक्य, एक पतोखी के अंदर और एक सरगोधा के अंदर जो है वाकयात पेश आए हैं। ये जो आसिफ का वाकया हुआ है, ये तो हुआ कि आसिफ बाइक चला के जा रहा था, इसका इसमें कोई कसूर नहीं था, तो आसिफ के गले में वो तार जो है उसकी जो डोरी थी वो आई और उसके बाद उसका गला जो है वो सुर्ख होने लगा, एकदम से वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगी और मौके पर ही वो दम तोड़ गया। तो नाज़रीन, उसके बाद इससे किसी माँ बाप ने सबक नहीं सीखा। माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर ये तरबियत देनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। बातें माँ बाप कहते हैं उसके ऊपर कि बच्चे जो है वो शरारती हैं, सिर्फ ये कह के साइड पे हो जाते हैं, आप इस चीज़ से बच्चों को रोक सकते हैं। पतोखी और सरगोधा के अंदर जो बच्चे, वो छोटी एज के बच्चे हैं जिन्होंने छत से छलांग लगाते हुए एक और पतंग की डोरी को पकड़ते हुए वहां से जो है उनकी मौत वाकई हुई है, और उनकी एज जो है वो 8 साल से कम है दोनों बच्चों की, और इसके कसूरवारान जो है वो हुकूमत और वालिदैन है। वालिदैन को चाहिए कि इस मामले में अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो नाज़रीन, इसमें आप लोग जो है अपना भरपूर किरदार अदा करें, और जो लोग और सोशल मीडिया के ऊपर जो है मैं वीडियोस देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया कि वो पतंग जो है वो इकट्ठे करके और उसको जो है वो आग लगा रहे थे, ये भी अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन को ख़ास तौर पे ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। हुकूमत तो ज़िम्मेदार है ही, इसके ऊपर जो है क्रैकडाउन क्यों नहीं करती? अब क्या फ़ायदा एक माँ से उसका लख्त जिगर छीनने के बाद जो है आप क्रैकडाउन जो लगा रहे हैं, आप बर वक्त इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेते और इसके ऊपर जो पाकिस्तान ने इसके ऊपर दफात कायम की गई हैं इसके मुताबिक जो है वो एक्शन लेते। तो नाज़रीन, अब इसकी कंडीशन जो है आपके सामने है, इसके ज़िम्मेदारान वालिदैन हैं, उसके भाई बहन हैं जो बड़े हैं, बड़ों को चाहिए, उसके फैमिली के जो बड़े मेंबर हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेट करें इसके मामले में और उसको बताएँ कि ये किस कदर ख़तरनाक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला तमाम माओं के लाल को, लख्त जिगर को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।